लवर्स की चर्चा काफी ज्यादा आसमान छू रही है और वो नए लवर्स कौन है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये नए लवर्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों इन दोनों का प्यार काफी ज्यादा आसमान छू रहा है और आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में इन दोनों के बारे में काफी दिलचस्प बात बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए आप भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। मैं हूँ आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। जी हाँ, और इन दिनों जो खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है वो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों सबसे ज्यादा जो खबर है वो आ रही है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के प्यार की। दरअसल आपको बता दें इन दिनों बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। पिछले दिनों नेहा धूपिया ने शादी करी, प्रियंका चोपड़ा ने सगाई कर ली, वहीं उससे पहले सोनम कपूर भी शादी के बंधन में बन चुकी हैं और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं और इस बात को कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है रणबीर कपूर के पिता और बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने। जी हाँ, हाल ही में ऋषि कपूर ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाई अब ऋषि कपूर अपने होने वाली बहू यानी कि आलिया भट्ट का कपूर खानदान में काफी जबरदस्त स्वागत करने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार ऋषि कपूर ने नए लव बर्ड्स के बारे में यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद से इन दोनों की शादी के कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का प्यार इन दिनों खूब आसमान छू रहा है। वहीं आपको बता दें ये दोनों कई बार साथ में स्पॉट किए जाते हैं, कभी डिनर डेट पर तो कभी देर रात आलिया भट्ट रणबीर कपूर के घर के आसपास दिखाई देती हैं। लेकिन अब आपको बता दें ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर ने, जी हाँ, रणबीर कपूर के पापा और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋषि कपूर अब पूरे तरीके से तैयार हो गए हैं आलिया भट्ट को अपनी घर की बहू बनाने के लिए। जी हाँ, दरअसल आपको बता रहे जब से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की नजदीकियां बढ़ी हैं तभी से आलिया भट्ट को कपूर परिवार के साथ कई बार देखा जा चुका है। सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं, कपूर परिवार के साथ भी यानी कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ भी आलिया भट्ट की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है और ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि कपूर ने अब भाई इस बात का कहीं ना कहीं ऐलान कर ही दिया है कि वो आलिया भट्ट को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बड़े पर्दे पर किया गया रोमांस अक्सर एक्ट्रेस की निजी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के लव बर्ड्स कहे जाने वाले एक्टर रणबीर और आलिया के साथ हुआ है। ये दोनों जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में रोमांस करते नजर आएंगे, लेकिन अब इनके रोमांस के किस्से रियल लाइफ का किस्सा बन गए। फिल्म के सेट के अलावा दोनों अक्सर मूवी डेट और डिनर डेट पर देखे जाते हैं। कहा जा रहा है कि शायद तो वो जल्द से जल्द शादी भी कर सकते हैं। वहीं जैसा कि आप जानती हैं इन दिनों बॉलीवुड में वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक बॉलीवुड के कई सितारे शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी अब जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। अब आपको बता दें रणबीर कपूर के पिता यानी कि ऋषि कपूर ने आलिया भट्ट को लेकर एक खास बात कही है जिसके बाद से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऋषि कपूर अब कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आपको बता दें ऋषि कपूर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के एक दूसरे से रिश्ते को सहमति देते हुए कहा कि वो जिससे चाहे उससे शादी करने के लिए चुन सकते हैं। इस बारे में बताते हुए ऋषि कपूर कहते हैं ये रणबीर कपूर का जीवन है, वो किससे शादी करना चाहता है उसे तय करना है। आलिया भट्ट को नीतू कपूर पसंद करती हैं, मैं पसंद करता हूँ, रणबीर भी पसंद करता है। जी हाँ, इससे तो भाई ये साफ हो गया है कि ऋषि कपूर
आलिया भट्ट को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऋषि कपूर ने बोला है कि आलिया भट्ट को नीतू कपूर भी पसंद करती है, मैं भी पसंद करता हूँ और रणबीर भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो भाई अब ये साफ हो गया है कि आलिया भट्ट शायद जल्द से जल्द अब कपूर परिवार की बहू बन जाएंगी। इसी के साथ आपको बता दें, इससे पहले महेश भट्ट ने भी इस रिश्ते पर सहमति जताते हुए कहा था, पिता होने के नाते मुझे खुशी है कि आलिया सारी चीजें खुद ही कर रही है। आलिया बड़ी हो गई है और ये उनका निजी मामला है जिसे उन्हें खुद तय करना होगा। आपको बता दें, महेश भट्ट से पूछा गया था कि आलिया रणबीर कपूर से अगले साल शादी करने जा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के निजी जीवन पर कभी बात नहीं की, मुझे लगता है कि वो अडल्ट हैं और इस पर उनका अधिकार होना चाहिए। अब भाई महेश भट्ट के भी इस बयान से साफ हो गया था कि भाई महेश भट्ट भी आलिया और रणबीर के रिश्ते से काफी ज्यादा खुश है और वो भी चाहते हैं कि आलिया भट्ट जल्द से जल्द रणबीर कपूर से शादी कर ले। आपको बता दें, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच अफेयर की खबरें आती रहती हैं। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में माना भी था कि वो इन दिनों आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट कई बार रणबीर कपूर के परिवार के साथ नजर आई हैं। हाल ही में आलिया ने भी कहा था कि वो सिंगल नहीं है। जी हां, जिससे साफ हो जाता है कि ये दोनों अब जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं और अपने रिश्ते पर मोहर लगाने वाले हैं। आपको बता दें, फिलहाल दोनों की शादी के बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। हाल ही में फिल्म राजे रिलीज हुई थी जिसने अच्छी कमाई की, तो वहीं रणबीर की संजू इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। आलिया और रणबीर इन दिनों अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म में आलिया और रणबीर के अलावा अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग बुल्गारिया में हो रही है, जहां से कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। वहीं आपको बता दें, बुल्गारिया में ही रणबीर और आलिया एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आते हुए नजर आए थे। इसी के साथ आपको बता दें, आलिया भट्ट रणबीर कपूर को काफी टाइम से पसंद करती हैं। दरअसल करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वो रणबीर कपूर को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। और अब जिस तरीके से ऋषि कपूर ने इस बात का बयान दे ही दिया है कि नीतू कपूर भी, यानी कि रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी आलिया भट्ट को पसंद करती हैं, मैं भी पसंद करता हूं और रणबीर भी पसंद करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ हो ही जाता है कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर आलिया भट्ट को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से आलिया भट्ट के होने वाले ससुर, जी हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि आलिया भट्ट के होने वाले ससुर और रणबीर कपूर के पापा यानी कि ऋषि कपूर ने कहीं ना कहीं इन दोनों लव बर्ड्स को, यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को हरी झंडी दिखा दी है और शायद कहीं ना कहीं ऋषि कपूर भी चाहते हैं कि ये दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बन जाए। वहीं आपको बता दें, ऋषि कपूर के बयान से तो भाई ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि ऋषि कपूर सच में चाहते हैं कि अब उनका बेटा रणबीर कपूर जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि भाई जिस तरीके से, जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा, कि जिस तरीके से ऋषि कपूर ने कहा कि भाई जब आलिया और रणबीर को शादी करनी हो वो कर सकते हैं, उनकी जिंदगी है और साथ ही साथ जिससे शादी करनी हो वो कर सकते हैं। वह आपको बता दें, ऋषि कपूर के इस बयान से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ऋषि कपूर अब इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने ऐलान कर ही दिया है कि भाई आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द से जल्द एक होने वाले हैं। अब देखना ही काफी मजेदार होगा कि ये दोनों शादी के बंधन में कब बंधते हैं। वैसे आपको बता दें, इन दिनों बॉलीवुड में शादियों का सीजन खूब आसमान छू रहा है। एक के बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस शादी के बंधन में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं फैंस चाहते हैं बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट को भी अब दुल्हन बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वहीं रणबीर कपूर की शादी का भी फैंस काफी बेसब्री से काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर शादी करेंगे कैटरीना कैफ से, लेकिन अब कैटरीना कैफ से ब्रेकअप होने के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की नजदीकियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब इससे यही कहा जा रहा है कि ये दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वेल आपको बता दें, अगर इन दोनों की शादी से हटकर बात की जाए तो आपको बता दें, इन दोनों को अब बड़े पर्दे पर भी आप देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों जल्द से जल्द फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे और फैंस इनकी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट नाइन न्यूज और बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।